जय जिनेन्द्र। विषय है शासन देव और जैन शासन। लेखक डॉक्टर उत्तम चंद जी सिवनी। अब उनके द्वारा प्ररूपित शासन देव और जैन शासन की तीसरी ऑडियो प्रारंभ कर रहे हैं। लेख वही है, आगे बढ़ते हुए प्रारंभ करते हैं। जैन मत में पद्मावती क्षेत्रपाल आदि कुदेवों की मान्यता का प्रवेश कब कैसे हुआ, इसका रहस्य उद्घाटन करते हैं। सिद्धांताचार्य पंडित श्री फूलचंद जी तथा स्वर्गीय सूर्य सागर जी लिखते हैं, जिन मंदिरों में भगवान की वेदी पर या पृथक रूप से शासन देवताओं की स्थापना कर उनकी पूजा भक्ति करना, यह अति अर्वाचीन अर्थात नवीन कल्पना है। जिस समय इतर धर्म का जोर था, उस समय लोगों से अपनी रक्षा करने हेतु भट्टारकों ने क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की मूर्तियां विराजमान कर जैन मंदिरों में स्थापित की। वह समय ही वैसा था। इसके पश्चात कालांतर में वह मार्ग चल पड़ा और भट्टारकों को पक्षपात हो गया। इस कुदेव पूजादि में वैदिक आचार्यों की नकल एवं प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। लगभग 9वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के अनुकरण पर भट्टारक गद्दियाँ स्थापित हो गई। भट्टारक युग में व्यापक हिंदू समाज से तालमेल बैठाने के लिए उन्होंने शैव और वैष्णव क्रियाओं का अनुकरण किया। उस समय की कुछ मांग ही ऐसी ही थी। भट्टारक पीठों में भी कई दृष्टियों से वैदिक पद्धतियों का प्रवेश हुआ। पद्मावती आदि देवियों को काली दुर्गा या लक्ष्मी का ही रूपांतर माना जाने लगा। इसी तरह गणेश एवं शंकर पिंडी आदि की तुलना के रूप में यक्ष एवं क्षेत्रपाल आदि की मान्यताएं चल पड़ी। भट्टारकों का स्वरूप साधुत्व से अधिक शासकत्व की ओर झुका और अंत में यह प्रकट रूप से स्वीकार ही किया गया। इस प्रकार भट्टारकों का प्रभुत्व बढ़ता चला गया और समाज इनके शिकंजे में जकड़ता चला गया। मठों मंदिरों और तीर्थों की व्यवस्था पर भट्टारकों का एकाधिकार हो गया। आध्यात्मिकता का स्थान क्रियाकांड ने ले लिया और प्रवृत्ति में शिथिलाचार उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया। धार्मिक मान्यताओं में विकृति आ गई। साधना के स्थान आराधना के नाम पर आडंबर और बाह्य क्रियाकांड के स्थल मात्र बनकर रह गए। मंदिरों में ही जमीन और खेलकूद होने लगे तथा वहीं पर उठना बैठना सोना रहना और राधा अन्य भगवान को चढ़ाना आदि वितरकता के विपरीत क्रियाएं होने लगी। सांसारिक क्रियाओं में रत और सवस्त्र होते हुए भी भट्टारक लोग अपने को मुनि कहलाने लगे। इनके द्वारा श्रावकों को धर्म तत्व को समझाने की रोक लगा दी गई। अध्यात्म ग्रंथों के पठन पाठन का भी निषेध कर दिया गया। उन साधुओं के मुख से जो वचन निकले वही ब्रह्म वाक्य बन गए। मंत्र तंत्रवाद के घटाटोप में भी जनता को उलझाए रखने का यत्न किया गया। इसी समय आशाधर ने भी अपने प्रतिष्ठा ग्रंथ में कई देव देवियों की भरमार की है और इनका विचित्र स्वरूप चित्रित किया है। वह सब भी संभवतः उधार लिया गया प्रतीत होता है। ये देवी देव प्रायः श्वेतांबर पूजा पाठों में भी उसी तरह पाए जाते हैं जैसे कि आशाधर ने लिखे हैं। आशाधर ने अपना प्रतिष्ठा शास्त्र नई पद्धति से रचा है, ऐसा वे खुद उसकी प्रशस्ति में लिखते हैं। ग्रंथ कृतस्तेने युगानुरूपा, अर्थात उन आशाधर ने यह प्रतिष्ठा ग्रंथ वर्तमान युग के अनुरूप बनाया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह भट्टारक युग में जैन सिद्धांत और संस्कृति में अन्य संस्कृतियों की मान्यताओं देवी देवताओं ने भट्टारकों के माध्यम से प्रवेश पाया। इस युग को वास्तव में जैन इतिहास में मिलावट का युग कहा जाए तो कोई अत्युक्ति ना होगी। कारण भट्टारकों तथा उनके अनुयायियों ने क्षेत्रपाल पद्मावती यक्ष यक्षिणी पूजा पंचामृत अभिषेक
आदि सिद्धांत विरुद्ध ग्रहित मिथ्यात्व पोषक मान्यताओं का बड़े आचार्यादिकों के नाम पर समावेश किया, जिसका प्रत्यक्ष नमूना एवं अनेकों जाली ग्रंथों अथवा भ्रष्ट रचनाओं के नामोल्लेख हम ऊपर कर ही चुके हैं तथा उनकी भ्रष्टता की साक्षी हेतु संदर्भ ग्रंथों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। विशेष अग्रिम ट्रैक्ट में हम स्वयं उन पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे ही। मिथ्या अभिमान का पर्दाफाश। पंडित कटारिया जी जैन निबंध रत्नावली में लिखते हैं कि जो लोग बड़े दर्प के साथ यह कहते हैं कि ऐसा कोई भी प्रतिष्ठा शास्त्र नहीं है जिसमें शासन देव पूजा न लिखी हो, अब उन्हें मालूम होना चाहिए कि वसुनंदी का प्रतिष्ठा प्रकरण, जो कि उपलब्ध प्रतिष्ठा साहित्य में सबसे पहले का है, कतई शासन देवों का उल्लेख नहीं है। जिन प्रतिष्ठा शास्त्रों के ये लोग प्रमाण देते हैं वे तो सब आशाधर की बात के बने हुए हैं और उनके कर्ताओं ने उसी प्रायः आशाधर का ही अनुसरण किया है। इससे साफ प्रकट होता है कि शासन देव पूजा की रीति प्रतिष्ठा विधि प्रधानतः आशाधर की चलाई हुई है और इसलिए यह रीति इनके पूर्व होने वाले वसुनंदी के प्रतिष्ठा प्रकरण में नहीं पाई जाती है। अतः कहा जा सकता है कि आशाधर के पहले का ऐसा कोई प्रतिष्ठा शास्त्र हो तो बताया जावे जिसमें शासन देव पूजा लिखी है। इस प्रकार प्राचीन आर्ष परंपरा के प्रामाणिक आचार्यों में किसी ने भी पद्मावती क्षेत्रपालादिक यक्ष यक्षिणी पूजादिक पंचामृत अभिषेक आदि का वर्णन या उल्लेख नहीं किया। यदि इनका उल्लेख कहीं मिल सकता है तो एकमात्र भट्टारक युगीन विषय कषाय पोषक आचार्यों के नाम का बनावटी चोला धारण करने वाले ठगों तथा उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए स्वरचित ग्रंथों में ही, जो प्रमाण करने योग्य नहीं हैं। करें उनमें प्रमुखतः विद्वत जन बोधक लेखक पंडित पन्नालाल जी संधि। नंबर दो, जैन निबंध रत्नावली भाग एक एवं दो लेखक पंडित मिलाप चंद रतनलाल कटारिया केकड़ी। नंबर तीन, युगवीर निबंधावली भाग एक एवं दो लेखक स्वर्गीय जुगल किशोर जी। नंबर चार, ग्रंथ परीक्षा के एक से लेकर चारों खंड लेखक स्वर्गीय जुगल किशोर जी। नंबर पाँच, जैन साहित्य और इतिहास स्वर्गीय पंडित नाथुराम जी। नंबर छः, रत्नकरण श्रावकाचार टीकाकार पंडित सदा सुखदास जी। नंबर आठ, भृद्रव्य संग्रह श्री ब्रह्मदेव सूरी कृट्टी का। नंबर नौ, पंडित टोटमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व लेखक पंडित हुकमचंद जी भारल जयपुर। इत्यादि ग्रंथ अवश्य ही पढ़ना चाहिए, इनसे उन्हें यह पता अवश्य लगेगा कि कैसे कब अनेकों ग्रहित मिथ्यात्व पोषक क्रियाएँ एवं मान्यताएं जैनागम तथा जैन संस्कृति में कैसे प्रवेश कर गई। उन्हें दूध पानी सोना पीतल तथा असली नकली का ज्ञान हुए बिना ना रहेगा। उनके मस्तिष्क में पंडित भूधरदास जी की ये पंक्तियां इन भ्रष्ट रचनाओं के लेखकों के प्रति झूलने लगेंगी कि अंध असूझन की अखियान में झोंकत है रज राम दुहाई, तथा दूसरी ओर उन भ्रष्ट रचनाओं का रहस्य उद्घाटन करने वाले, भ्रांति मिटाने वाले, सच्चे जनागम मार्ग दर्शाने वाले उपर्युक्त ग्रंथकारों के प्रति यह पंक्ति स्मरण आएगी कि चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तु, परमार्थ दृष्टि से विचार। वीतरागी देव ही ज्ञानियों के शासन देव हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का शासन देव या कुलदेव वह है जिसके शासन या आज्ञा को मानकर वह श्रेय मार्ग में चलते हैं। अतः अनंत वीतरागी अरहंतादिक देव ही ज्ञानियों के शासन देव हैं। कुदेव क्षेत्रपाल यक्षादि शासन देव तो नहीं हैं, परंतु ज्ञानियों द्वारा शासित देव भले कहो, कारण ज्ञानी जनों के शासन अर्थात आज्ञा में वे कुदेवादिक चलते हैं, अतः शासित देव हैं। ज्ञानी जन उन रागी द्वेषी मिथ्या दृष्टि देवों के शासन में कदापि नहीं चलते, अतः परमार्थ दृष्टि से वे शासन देव नहीं हैं। फिर भी उन्हें शासन देव कहना यह व्यवहार कथन की विडंबना मात्र है। जैसा कि महाकवि धनंजय ने अपने
ऋषाबहार स्त्रोत्र में लिखा है कि हे जिनेन्द्र देव, प्रशस्त वचन बोलने में चतुर्जन भी कषायों से जले हुए को देव शब्द से व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार बुझे हुए दीपक को बढ़ गया तथा घड़ा फूटने को कल्याण हो गया कहते हैं, इत्यादि कथन व्यवहार से उल्टे ही बोले जाते हैं, जबकि परमार्थ से दीपक बढ़ा नहीं है, घट गया है, और घड़े का कल्याण नहीं अकल्याण हुआ है। मूल में श्लोक ऐसा है, प्रशस्त वाचस् चतुरा कषायैर् दग्धस्य देवं व्यवहारमाहु गतस्य दीपस्य च नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मंगलत्वं। जिनवाणी माता ही ज्ञानियों की शासन देवी है। वीतरागी जिनेन्द्र की वाणी ही ज्ञानी जनों की शासन देवी है। उसकी आज्ञा अर्थात शासन में चलकर ही ज्ञानी जन मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हैं। पंडित प्रवर बनारसदास जी ने भी जिनवाणी के दैवी रूप को सुंदर उपमाओं द्वारा प्रकट किया है। उन्होंने जिनवाणी माता को लोकमाता, शंकरानी अर्थात दुर्गा, बागीश्वरी देवी आदि नामों से स्तुति की है। यथा जिनादेश जाता जिनेन्द्रा विख्यात विशुद्धा प्रबुद्धा नमो लोकमाता, दुराचार दुर्नय हरा शंकरानी नमो देवी बागीश्वरी जैनवाणी। ये पंडित बनारसी दास जी ने बनारसी विलास में पृष्ठ 165 पर लिखा है शारदाष्टक नाम से। इसी प्रकार देवशास्त्र गुरु की पूजा में स्थापना के पद में जिनवाणी को सरस्वती देवी कहकर अष्ट द्रव्य से पूजने की बात आती है। पद्मावती, यक्षिणी, चक्रेश्वरी आदि को पूजने की बात नहीं। यथा पूजो देवी सरस्वती निज प्रति अष्ट प्रकार तथा चत्तारी दंडक में भी अरहंते शरणम पवज्यामी कहकर जिनेन्द्र देव की शरण में जाने की ही प्रतिज्ञा की जाती है। तथा केवली पंडतम दम्मम शरणम पवज्यामी कहकर केवली प्रणीत धर्म अर्थात जिनवाणी सरस्वती देवी की ही शरण में जाने की प्रतिदिन प्रतिज्ञा करते हैं। उन्हें ही मंगलकारी एवं लोकोत्तम मानते हैं। फिर भी मोह पिशाच के वशीभूत होकर अग्विजन, कुदेव, पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि यक्ष, यक्षिणी, चक्रेश्वरी आदि की शरण में जाते हैं। उन्हें शरणदाता मंगलकारी मानते हैं। सो प्रतिदिन चत्तारी दंडक के वाक्यों की प्रतिज्ञा को भंग करते हैं। सो कैसे नहीं नरक नगोद आदि में परिभ्रमण करेंगे अर्थात अवश्य ही करेंगे। इसलिए मानतुंगाचार्य भक्तांबर स्त्रोत्र में लिखते हैं, हे वीतरागी सर्वज्ञ देव, मैं ऐसा मानता हूँ कि हरिहर आदि सभी को मैंने देखा, उनमें से केवल आप में ही मेरी दृष्टि संतोष को प्राप्त होती है। आपको देख लेने पर अर्थात आपके दर्शन के बाद अन्य के दर्शन से क्या प्रयोजन। आपको देख लेने के बाद तो मेरे मन को भव भवांतरों में भी आपके सिवा अन्य कोई देवी देवता आकर्षित नहीं कर सकता। यथा मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयम् त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। अस्तु, ना मालूम उपर्युक्त स्तोत्र पढ़ते हुए भी अज्ञानी जनों का मन कैसे पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि कुदेवों में आकर्षित हो जाता है, जिससे ये पद्मावती, क्षेत्रपाल के सम्मुख अखंड दीपक जलाते हैं। जिनेन्द्र के समक्ष ध्यान न लगाकर पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि के समक्ष घंटों ध्यानारूढ़ होते हैं, उनकी पूजनादि, अभिषेक आदि करते हैं। इनकी होनहार को क्या कहा जाए। अतः आचार्य कार्तिकेय स्वामी की शिक्षा ग्रहण कर इस ग्रहित मिथ्यात्व का शीघ्र ही त्याग करने में हमारा हित है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महाग्रंथ में आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि यदि कदाचित मरते हुए मनुष्यों की क्षेत्रपाल आदि देव मंत्र से, तंत्र से या विद्या से रक्षा करने में समर्थ होते तो यह संसार मनुष्य अक्षय हो जाते। इस प्रकार संपूर्ण संसार को अशरण देखता हुआ भी यह मूल जन ग्रह, भूत, पिशाच, योगिनी,
चंडिका तथा यक्षादि कुदेवों की शरण की कल्पना करता है, यह तीव्र मिथ्यात्व भाव है। गाथाएं ऐसी हैं, जय देवो पिय रखई मंतो तंतो चखित पालोय मियमाणम पिमनुस्सम तो मुणया अखया होंती एवं पेच्छन्तो विहु गह भूय पिसाय जोयणी जखम शरणम मण्णई मूढ़ो सुगाढ़ मिच्छत भावादो। ये कार्तिकेयानुप्रेक्षा अश्रण भावना गाथा 25 और 27 हैं। पूज्य पादाचारी कहते हैं कि योग्य भोजन ना मिले तो विष तो नहीं खाना चाहिए। पूज्य पादाचारी कहते हैं कि हे भगवान, यदि किसी पुरुष को जन्म मरण दूर करने वाले आपके चरण कमल ना प्राप्त हुए हों तो वह अपनी प्रवृत्ति इच्छा अनुसार करे, तथापि वह मिथ्या देवताओं की सेवा ना करे। जिस प्रकार संसार में मनुष्य सुलभता से अन्न को खाता है तो ठीक है, परंतु यदि अन्न का मिलना कठिन हो तो भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपनी भूख मिटाने के लिए विष भक्षण करता है, अर्थात कोई नहीं। यथा मूल श्लोक ऐसा है, पूज्य पादाचार्य ने दस भक्ति आदि संग्रह इरियापद शुद्धि श्लोक नंबर 14 में कहा है, जन्मोन्मार्जयम् भजतु भवतः पाद पद्मम् न लभ्यम् तच्चै स्वैरम् चरतु न दुर्देवताम् सेवताम् सह अस्नात्यन्य यदेह सुलभम् दुर्लभम् चेन्मुधास्ते शुद्व्यावृत्तै कवलयति कः कालकूटम बुभुक्षु। भली प्रकार इतना स्पष्ट हो जाने पर भी उपर्युक्त जिन वचन जिसे सुहाते नहीं हैं, अपनी खोटी मान्यता का शीघ्र त्याग नहीं करता है, उसके लिए पंडित दौलत राम जी कहते हैं, ऐसो मोही क्यों ना अधोगति जावे जाको जिन वाणी न सुहावे। बीत राग से देव छोड़कर भैरव यक्ष मनावे दौलत सो अनंत भव भटके और अनिको भटकावे। ऐसो मोही क्यों ना अधोगति जावे। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अंतिम चेतावनी सर्व प्रकार से निर्णय एवं विचार कराते हुए अत्यंत करुणा बुद्धि से पंडित प्रवर टोडरमल जी चेतावनी देते हुए लिखते हैं, जिन धर्म में तो ऐसी आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को, कौन से मिथ्यात्व को, कुदेवादि पद्मावती क्षेत्रपाल यक्ष यक्षिणी चक्रेश्वरी ज्वाला मालिनी कुलदेवी शासन देवी देवता नवग्रह आदि की पूजा रूप ग्रहित मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो जीव पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ें। निंदा प्रशंसा के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है, क्योंकि नीति में ऐसा कहा है, नीति शतक 84 नंबर श्लोक, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वास्तु मरणम तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी आओ वा जहाँ तहाँ जाओ, तथा अभिमरण हो या युगांतर में हो, परंतु नीति निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसादिक के भय से लोभादिक से
अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना उचित नहीं है। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव गुरु, गुरु अर्थात कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिक का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है, उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। नहीं तो छह ढालाकार के अनुसार यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी, यह विधि गए ना मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। अतः मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव, तज तिन को सांचे भजो यह हित हेतु उपाव। मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है, अस्तु विशेषेषु किम अधिकम। इस प्रकार इस शासन देव और जिन शासन नामक पुस्तक में आदरणीय डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब ने बहुत ही कठिन परिश्रम से आगम के आलोक में बहुत ही मेहनत करके अनेक जीवों को ग्रहित मिथ्यात्व से बचाने का प्रयास इस कृति के माध्यम से किया है। इसलिए जो जीव संसार में भ्रमण नहीं करना चाहते, ग्रहित मिथ्यात्व से बचना चाहते हैं और इससे बचकर सम्यक्त्वादि को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, वे इसे बारंबार सुनें, विचार करें और स्वयं निर्णय करें। इसी भावना से विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र।